जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख युद्ध अभ्यास। प्रमुख युद्ध अभ्यास में आज हम लोग भारत और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। ये जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में भारत और चीन जो है भाग लेता है। पूछा भी गया है कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज में कौन से दो देश हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत और चीन, क्योंकि भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है। फिर आप आएंगे उदार शक्ति। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास में अगर आप देखेंगे तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है, इसको आप नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे एक्वावेरिन। दोस्तों, ये जो एक्वावेरिन युद्ध अभ्यास है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा भी गया है कि एक्वावेरिन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है, तो ध्यान रखिए भारत और मालदीव। मालदीव के बारे में आप जानते हैं कि मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश है, तो नोट करेंगे एक्वावेरिन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होता है। फिर आप देखेंगे बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। ये जो बोंगो सागर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोंगो सागर अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान रखिए भारत और बांग्लादेश। आगे आप आएंगे लामितीय 2022। दोस्तों, ये जो लामितीय एक्सरसाइज है ये 2022 में हुआ है। लामितीय एक्सरसाइज में भारत और सेसल जो है ये भाग लेते हैं। तो लामितीय एक्सरसाइज में कौन से दो देश आते हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत और सेसल, क्योंकि भारत और सेसल के बीच में लामितीय एक्सरसाइज होता है। फिर आप आगे आएंगे धर्म गॉर्जियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो धर्म गॉर्जियन है ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ, तो ध्यान रखिएगा भारत और जापान। उसके बाद यहाँ पर आएंगे काजिंद अभ्यास। ये जो काजिंद अभ्यास है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि काजिंद एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत और कजाकिस्तान। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि काजिंद, जब भी आपसे काजिंद आए तो काजिंद का मतलब कजाकिस्तान, और आप जानते हैं कि कजाकिस्तान के साथ कौन सा देश आ रहा है, भारत। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच ये काजिंद अभ्यास होता है, इसको आप नोट करेंगे। फिर आप आगे आएंगे समुद्र शक्ति अभ्यास। ये जो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है ये दोस्तों भारत इंडोनेशिया के बीच में है। इसको कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं कि इंडोनेशिया जो है पूरा समुद्र में है, तो इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे कि समुद्र एक्सरसाइज जो है, ये समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। फिर आप देखेंगे खंजर। ये खंजर एक्सरसाइज जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर से आप ध्यान रखिएगा, खंजर से क्या रखेंगे, किर्गिस्तान, क्योंकि खंजर से आप क्या निकालेंगे, किर्गिस्तान। तो इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि ट्रिक के द्वारा याद रखना जरूरी है, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, खंजर एक्सरसाइज। फिर आप आएंगे डस्ट लीग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा भी गया है कि डस्ट लीग एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के बीच हुए, तो भारत और उज्बेकिस्तान। आप जानते हैं कि जब हमें दस्त आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उज्बेकिस्तान यानी कि उल्टी कर देते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि डस्ट लीग से क्या हो गया, उल्टी हो गई, तो उल्टी से क्या हो गया दोस्तों, उज्बेकिस्तान। तो डस्ट लीग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है, उज्बेकिस्तान और भारत। फिर आप आएंगे एक्स ब्रज प्रहार। ये दोस्तों ब्रज प्रहार जो है, ब्रज प्रहार से हमेशा याद रखिए कि ये ब्रज प्रहार एक्सरसाइज जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, तो आप इसको नोट करेंगे। एक्स ब्रज प्रहार 2022 में ये एक्सरसाइज हुआ था,
और भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। और आपको नोट करना है, ये जो एक्स ब्रज प्रहार एक्सरसाइज जो है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जगह का भी नाम याद रखेंगे कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश में हुई है और किन दो देशों के बीच, भारत और अमेरिका। फिर आप आएंगे अल नजहा। ये दोस्तों अल नजहा 4 एक्सरसाइज जो है, ये भारत और ओमान के बीच में होता है। पूछा भी गया है कि अल नजहा एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और ओमान। फिर आप आगे आएंगे सिम्बैक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच होता है। आप इसमें याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए सिम से याद रखिएगा, एस से रखेंगे सिंगापुर और आई से रखेंगे इंडिया। तो सिम्बैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के। फिर आप आएंगे सीट मैक्स। दोस्तों ये जो सीट मैक्स एक्सरसाइज है, ये 3 देशों के बीच में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीट मैक्स से आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है SIT सीट। सीट से कैसे याद रखेंगे, एस से देखिए सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो सीट मैक एक्सरसाइज 3-2 देशों के बीच में होता है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। तो आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे, सीट से क्या हो गया, 3 देश हो गए, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। फिर आप आएंगे इंद्र अभ्यास। आप जानते हैं कि इंद्र एक्सरसाइज जो है भारत और रूस के बीच में होता है, ये आपको पता भी होगा। फिर आप आएंगे मालाबार। दोस्तों ये जो मालाबार तट है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है क्वैड। ये जो क्वैड है, क्वैड में 4 देश जो है आते हैं और ये 4 देश जो है मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम कोई सा भी हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें दोस्तों क्वैड जो है, क्वैड आता है, क्वैड में 4 देश शामिल होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। पूछा भी गया है कि क्वैड में कौन से देश हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, या इनमें कौन सा देश क्वैड में शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वैड में 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। फिर आप देखेंगे चीरू। ये चीरू जो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीरू 2022 एक्सरसाइज जो है, ये 3 देशों के बीच में होता है, चीन, ईरान और रूस। इसमें आप नाम से ही पता कर लेंगे, देखिए यहाँ पर चीरू लिखा है, तो CH यानी कि ची से क्या हो गया, चाइना, आई से दोस्तों ईरान और RU से रूस। तो ऐसे आप याद रखेंगे चीरू एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के बीच, तो चीन, ईरान और रूस, इन 3 देशों के बीच में होता है। फिर आप आएंगे स्लीनेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्लीनेक्स एक्सरसाइज दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नाम से आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए स्लीनेक्स, तो ध्यान रखिएगा SL से क्या हो गया, श्रीलंका, और I से इंडिया। तो श्रीलंका और भारत के बीच में स्लीनेक्स एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखेंगे वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास, गरुड़ अभ्यास। जब आपसे ये पूछा जाए कि वरुण एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत फ्रांस। शक्ति एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच, भारत फ्रांस। गरुड़ एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच, भारत फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा गरुड़, शक्ति और वरुण, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये 3 अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा भी गया है। फिर आप आएंगे एक्स बीनबैग्स। ये जो एक्स बीनबैग्स एक्सरसाइज है 2022 का है। एक्स बीनबैग्स एक्सरसाइज जो है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। बीनबैग से याद रखिएगा, बीनबैग से वियतनाम। तो ये दोस्तों प्रमुख युद्ध अभ्यास थे जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।